क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन फिनिशर मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हमारी भारतीय टीम के सबसे बेस्ट फिनिशर या फिर हम कह सकते हैं सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अंतिम ओवरों में। जब भारतीय टीम को कम गेंदों पर ज्यादा रनों की दरकार होती थी तो भारतीय टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी था जो भारतीय टीम को किसी भी सिचुएशन में से मैच जिताने का दम रखता था, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों एक ऐसा ही तूफानी मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता था। सिर्फ यही नहीं, भारतीय टीम के लिए काफी कुछ कारनामे भी कर चुके महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐसा ही तूफानी मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में 2011 को 11 सितंबर को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था, जो चौथा ओडीआई मुकाबला था इस सीरीज का। ऐसे में भारत बनाम इंग्लैंड की राइवलरी उस टाइम काफी ज्यादा तगड़ी हुआ करती थी और इस तूफानी मुकाबले में जब महेंद्र सिंह धोनी का इंग्लैंड के साथ सामना हुआ तो यह मुकाबला देखने लायक हो गया था। जब भारतीय टीम के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी हो और भारतीय टीम परेशानी में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सभी को बता दें, जल्दी विकेट जाने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि भारतीय टीम की पहली बल्लेबाजी थी। आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने मिड ऑन की तरफ एक तूफानी चौका लगाकर अपने इरादे साफ किए। ऐसे में इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने गगनचुंबी टिम ब्रैसनन को ऐसा छक्का लगाया मानो इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के परछक्के उड़ गए। अब महेंद्र सिंह धोनी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर फ्लिक कर महेंद्र सिंह धोनी ने एक और तूफानी छक्का लगाया तो मिडॉन के ऊपर से एक और ट्रेडवेल को चौका लगाया। अब महेंद्र सिंह धोनी हद से ज्यादा लाजवाब बल्लेबाजी करने लगे थे और जब आखिरी ओवर आया तब महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने इस तूफानी गेंद पर पूरी तरह से हेलीकॉप्टर शॉट लगाया और आखिरी गेंद पर ऐसा तूफानी शॉट लगाया मानो सभी के परछक्के उड़ गए। दोस्तों इस मुकाबले में 3 छक्के लगाए महेंद्र सिंह धोनी ने और 6 चौके जड़े। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पारी में 78 रन लगाए सिर्फ और सिर्फ 71 गेंदों में, जिसमें से महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के व 6 चौके लगाए और भारतीय टीम को 280 रन के पार ले गए। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को 280 के रन के पार ले गए। ऐसे बिना टारगेट इंग्लैंड की टीम पूरा नहीं कर पाई, लेकिन जब ये मैच का हाल खराब हो रहा था तो इस मुकाबले को ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि डकवर्थ लुईस का मेथड था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवरों में जो बल्लेबाजी की वो हद से ज्यादा लाजवाब थी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अगर भारतीय टीम के पास उस वक्त बल्लेबाजी करने नहीं होते तो भारतीय टीम लगभग 150 के आसपास ही ऑल आउट हो जाती, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तब सभी के परछक्के उड़ गए। खास करके इंग्लैंड के गेंदबाजों के तो पसीने छुड़ा दिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। सिर्फ यही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा कारनामे किए हैं, जिसे आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। ऐसे कारनामे महेंद्र सिंह धोनी के लिए दाहिने हाथ का खेल था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी खड़े खड़े हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाते थे जो सीधा स्टेडियम्स में जाते थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को और क्रिकेट खेलना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। और अगर वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट खेल रहे हैं सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।